कुछ नहीं पता। अखिलेश जी 17 में आ जाइए, नक्शा जमा किए जा रहे हैं। इतना मैं समझ जाया कर रहा हूँ, जब एक बार बताऊंगा नानक जी, जरा होश और हैसियत में रख के बात क्या करिए। मैं बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ आपके लिए, मैं समझ जाया कर रहा हूँ। बीच में बोलना हुआ शुरू किया। अखिलेश जी आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अखिलेश जी आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अखिलेश जी आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। जरा ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। मैं होश संभालिए, जरा होश संभालिए। आप दोस्त इज्जत से बात करिए, इज्जत आप मेरे मेहमान है। अखिलेश जी इज्जत से बात करिए, बदतमीजी पे कम से कम मर का लिहाज कीजिए। अखिलेश जी मेरे मेहमान है जनाब, सुनिए। बीच में वो बोल रहा है। अखिलेश जी आप सुनिए मेरी, किसी की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। अखिलेश जी सुन लीजिए, बहुत दिन से देख रहा हूँ अखिलेश जी, आपको दे रहा हूँ आपका होशो आवास में रखकर बात किया कीजिए। दे रहा हूँ आप हमारे मेहमान है, हमारे आपको मिलेगी जब इज्जत देंगे। अखिलेश जनाब जवाब तभी की बिल्कुल नहीं चलेगी अखिलेश जी आपकी। हाँ तो वही आप भी सोचिए, वही आपके लिए भी है, वही आपके लिए भी है। जनाब बात करिए, इज्जत कर रही है। टीवी चैनल मैंने एंकर से सीधा सीधा कॉन्फ्रेंटेशन बोल लेते हैं, इसका मतलब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, दर्शक सब समझता है। आप मुद्दे पर बोलने की बजाय भटकिए इधर उधर। मेरे पास अखिलेश जी आप आईना साफ करते रहिए, पाठक आप आईना साफ करिए। अखिलेश जी आप उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप चुप हो तो मैं बोलूं, आप चुप हो तो मैं बोलूं, मुद्दे पे बोलिए। आप चुप हो तो मैं बोलूं। अखिलेश जी आवाज नीची करके, आपकी आवाज नीची होनी चाहिए। मुद्दा यही है। अरे फिर भाई मैं वही कह रहा हूं, मुद्दा यही है कि आपने मेरे पे दोषारोपण किया। मैंने बीच में नहीं बोला सुधांशु के, सुधांशु जी को दोषारोपण आपने नहीं किया। मेरी नाराजगी इतनी थी और वो भी है। कौन सा दोषारोपण कर दिया था? कहा कौन सा दोषारोपण कर दिया? सवाल जवाब हो रहा है। अखिलेश जी ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने मुझको दोषा। सुनिए मैंने क्या बोला? गलत बोल रहे हैं, हमें क्यों बोल रहे हैं? अरे अखिलेश जी मैंने नहीं बोला आप गलत बोल रहे हैं, समस्या यही होती है, यही समस्या होती है। मैंने नहीं कहा गलत बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए अपना आपके मन में कोई कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। सुन लीजिए अखिलेश जी सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने सुन भी लीजिए, सुन भी लिया करिए। समस्या यही है, सुनते नहीं है, सिर्फ बोले जाते हैं और जो मुझे आता है बोलते हैं आप। मैंने नहीं बोला कि आप गलत बोले, मैंने कहा 17 में आ जाइए। आज की बात करिए, सुधांशु जी आपसे एक सेकंड, आपने आपने मेरे ऊपर दोषारोपण किया। मैंने कौन सा दोषारोपण किया? आपने मेरे ऊपर दोषारोपण किया। क्या दोषारोपण? जबकि मैं बीच में, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्या दोषारोपण किया बताइए तो सही। मुझे दोष दिया जो सुधांशु जी मेरे बीच में बोल लेते, आप रिवाइंड करिए ना। आप रिवाइंड करा लीजिए। अखिलेश जी बताइए, आप ये बोलते हैं दर्शकों का इतना समय आप बर्बाद करते हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या कि आपके बीच में कोई बोल नहीं सकता? अच्छी बात है। अखिलेश जी मैं बहुत समय बर्बाद कर दिया आपसे बहस करने में। दर्शक हमारा नाराज ही होता है।